हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीबोर्ड में फंक्शन की कैसे यूज होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन में क्लिक कर दो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला समझना होगा हमारे कीबोर्ड में कौन सी की को फंक्शन की कहते हैं। फंक्शन की कहते हैं जो हमारे कीबोर्ड में ऊपर में आप देखेंगे F1 टू F12 जो की है, इस की को हम फंक्शन की कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। आप जब डेस्कटॉप में F1 प्रेस करेंगे आपका हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। आप मानो क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आप हेल्प सेंटर ओपन करना चाहते हो। ओपन करने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड से F1 प्रेस करिए, आपका हेल्प सेंटर बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी सॉफ्टवेयर में हम F1 प्रेस करने के बाद आपका हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। F2 प्रेस करने के बाद आप किसी भी फोल्डर को रिनेम कर सकते हो। कैसे, हम फोल्डर को फर्स्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद हम इस फोल्डर को नाम देते हैं यूज़र। यूज़र नाम टाइप करने के बाद एंटर में क्लिक करेंगे, आपका जो फोल्डर का नेम वो रिनेम हो जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी फोल्डर को हम F2 प्रेस करके रिनेम कर सकते हैं। आप सिंपली डेस्कटॉप में F3 प्रेस करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद F3 प्रेस करेंगे, आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ फाइंड करेंगे इंग्लिश, टाइप करने के बाद एंटर में क्लिक करेंगे, आपका जहाँ जहाँ इंग्लिश टेक्स्ट लिखा है वह सिलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आप सिंपली डेस्कटॉप में F4 प्रेस करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप डेस्कटॉप में ऑल्टर के साथ F4 प्रेस करेंगे, आपका शट डाउन का पॉपअप विंडो शो हो जाएगा। इसी तरह से हम शट डाउन रिस्टार्ट स्लिप कर सकते हैं। अगर आप कोई भी विंडो ओपन करते हो, मानो दिस पीसी को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद इसको क्लोज करना चाहते हो, क्लोज करने के लिए ऑल्टर के साथ F4 प्रेस करेंगे, आपका उस विंडो क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से हम F4 फंक्शन यूज करते हैं। आप सिंपली डेस्कटॉप में F5 प्रेस करने के बाद आपका सिस्टम रिफ्रेश होगा। आप कैसे रिफ्रेश करते हो, डेस्कटॉप में राइट क्लिक करके रिफ्रेश में क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम रिफ्रेश होता है। अगर आप F5 प्रेस करेंगे आपका सिस्टम रिफ्रेश होगा, और कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद आप F5 प्रेस करेंगे आपका पेज रिलोड हो जाएगा। अभी तक इस वीडियो को देख रहे तो क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो। सिंपली डेस्कटॉप में F6 प्रेस करने के बाद आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप F6 प्रेस करेंगे, आपका URL हाईलाइट हो जाएगा और हम किसी भी वेबसाइट को फाइंड कर सकते हो। हम यहाँ टाइप करेंगे YouTube, एंटर में क्लिक करेंगे, हमारे YouTube आ जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी वेबसाइट को हाईलाइट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप सिंपली डेस्कटॉप में F7 प्रेस करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि F7 मैनुअली यूज़ होता है ऑफिस सॉफ्टवेयर में। हम वर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे जिस टेक्स्ट में रेड लाइन का सिग्नल शो कर रही है, इस रेड लाइन का मतलब होता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक है। इस स्पेलिंग एंड ग्रामर ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहला टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करने के बाद आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर ओपन हो जाए एंड हम चेंज एंड चेंज ऑल करेंगे, ये आपका टेक्स्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर ठीक हो जाएगा। इसी तरह से हम टेक्स्ट का स्पेलिंग एंड ग्रामर ठीक कर सकते हैं। F8 यूज होता है किसी भी सिस्टम को सेव मोड में यूज करने के लिए, और वर्ड डॉक्यूमेंट में फुल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम F8 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद आपका वर्ड का पेज रिफ्रेश होगा। आप सिंपली डेस्कटॉप में F10 प्रेस करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप वर्ड में जाके F10 प्रेस करेंगे, आपका शॉर्टकट की आ जाएगा। आप इंसर्ट में जाना चाहते तो N प्रेस करेंगे, DN में जाना चाहते तो G प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली डेस्कटॉप में F11 प्रेस करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन में F11 प्रेस करेंगे, आपका एप्लीकेशन फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा। फिर फुल स्क्रीन मोड में वापस आने के लिए F11 प्रेस करेंगे, आपका एग्जिट हो जाएगा फुल स्क्रीन मोड। इसी तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन में फुल स्क्रीन मोड एनेबल कर सकते हैं एंड डिसेबल कर सकते हैं। आप सिंपली डेस्कटॉप में F12 प्रेस करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हो तो F12 प्रेस करेंगे। आपका फाइल का नाम देना होगा, हम यहाँ टाइप करेंगे वर्ड एंड एंटर में क्लिक करेंगे, आपका फाइल सेव हो जाएगा वर्ड नाम से। इसी तरह से हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं F12 प्रेस करके। ये था आज का फंक्शन की। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ शेयर करना। चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक केयर।